every day, late at night, not okay. All I want. हाय गाइस, कैसे हो आप सब। इंचुलर मातेला, मैं हूँ प्रतीक्षा। वेलकम टू माय चैनल मिस ब्यूटी क्लब। गाइस, इफ़ यू डोंट नो देन लेट मी टेल यू, ये गेटवे ऑफ इंडिया व्लॉग पार्ट टू है, यानी लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है। अगर आपने गेटवे ऑफ इंडिया का पार्ट वन व्लॉग नहीं देखा है देन ऊपर जो आई बटन दिख रहा है आपको, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पे लिंक क्लिक करके आप वीडियो एंजॉय कीजिएगा। गाइस, जो आपको दिख रहा है ये न्यू ताज है, एंड उसके जो बगल में है वो साइड वाला, दैट इज द ओल्ड वन, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जो रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल दिया हुआ है उसको भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, जैसे कि व्लॉग पार्ट वन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये ब्रिटिश शासन के समय बना था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तब बोलते हैं कि ब्रिटिश सेना जो है वो इसी रास्ते से होकर वापस लौटी थी, तो इसलिए इस मॉन्यूमेंट को गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can long, can you stay? गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए आप साल में कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, एंट्री इज टोटली फ्री। अब हम बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में। गाइस, ये कोलाबा में अपोलो बंदर एरिया में आता है, विच इज़ इन साउथ मुंबई, एंड यहाँ पर पहुँचना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप मुंबई में ही रहते हो तब तो आपको पता ही होगा गाइस, आप यहाँ पर चर्चगेट रेलवे स्टेशन उतर के वहाँ से टैक्सी या फिर आप बस करके, जैसे मैंने आपको व्लॉग पार्ट वन में बताया, उस बस स्टॉप से आप डायरेक्ट बस लेके आप यहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर आप पैदल भी आ सकते हो। स्टेशन से हार्डली 10 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस पे है। अदरवाइज आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी CST स्टेशन उतर के भी वहाँ से टैक्सी करके आ सकते हैं। इफ इन केस इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट, अगर आप अदर स्टेट में रहते हो देन गाइस, मुंबई के लिए ऑलमोस्ट एवरी डे आपको ट्रेन्स एंड बसेस जो है आपको मुंबई के लिए चालू मिलेगी। मुंबई पहुंचने के बाद आप CST या चर्चगेट स्टेशन से टैक्सी या बस करके बड़ी आसानी से आप यहां पहुंच सकते हैं। इन केस इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू एयर देन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद टैक्सी लेके आप बड़ी आसानी से यहां पे पहुंच सकते हैं। सो इट्स दैट इजी। कितना खूबसूरत सा नज़ारा है ना गाइस। मेरे पीछे देख लो, दैट इज गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ आने के बाद आप एलिफेंटा केव्स भी घूमने जा सकते हैं, क्योंकि हम वीकेंड में गए थे तो इसलिए रश होने के कारण हम तो उस दिन जा नहीं पाए। एलिफेंटा केव्स जाने के लिए यहाँ पे फेरी राइड्स वगैरह अवेलेबल है।
पल्लवी क्या कर रही है? यहाँ तक आके स्ट्रीट फूड नहीं खाया तो क्या खाया, वो भी वड़ा पाव। ओ माई गॉड, सो यमी। गाइस अभी ना हम लोग फैशन स्ट्रीट जाने का सोच रहे हैं, कंफर्म तो नहीं है बट लेट्स सी, क्योंकि बहुत थक चुके हैं इसके लिए। आपको आज मज़ा आया कि नहीं गाइस? मेरे साथ आया ना? आई नहीं। गाइस दिस इज़ अ वेरी लार्ज शॉपिंग प्लेस इन मुंबई नोन हैज फैशन स्ट्रीट, एंड ये काफ़ी फेमस प्लेस है शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर आपको लेटेस्ट ट्रेंड के फैशनेबल कपड़े, डिज़ाइनर ब्रांड्स के कपड़े, एक्सेसरीज, शूज, हैंडबैग्स, गॉगल्स, ये सब कुछ रीजनेबल एंड सस्ते प्राइस पर मिलता है, प्रोवाइडेड आपको अच्छे से बार्गेन करना भी आना चाहिए। दिस इज लोकेटेड ऑन MG रोड नियर आजाद मैदान एंड इज ऑपोजिट टू बॉम्बे जिमकाना इन साउथ मुंबई। ये CST स्टेशन से बहुत ही पास पड़ता है, इट इज जस्ट 10 मिनट्स वॉकेबल फ्रॉम CST स्टेशन। Thanks for watching. Stay tuned for my other videos. Love you all. Take care and bye bye.